जो मोदी जी भी हैं जो समझते हैं बात को सही परस्पेक्टिव में उसको रख भी सकते हैं आगे, और हम ये नहीं कहते कि ब्लाइंडली इसको फॉलो करो। जो आप अपना तर्क दीजिए हम आपको कन्विंस करेंगे। वो आप नकुल इधर आ गए सर। नमस्ते मैम। जोरी पुंज के थाना मंडी को देखें, दरहाल को देखें, चुनकोट मैंडर पर पूरा इलाका जो है वो देश के साथ खड़ा है। पिछले कई वर्षों से हो रही है। 1989 में यहाँ से जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन। जनाब गुप्ता साहब, सबका सारे लेजिस्लेचर्स और बाकी मेरे साथियों, मैंने जब कल मुझे मैसेज आया था कुछ बात क्लियर नहीं थी, तो बहरहाल हमने सब साथियों को बुलाया था इसलिए कि हम आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं और इन्होंने खुद हमें मौका दिया है कि मैं आपके पास चल के आ रहा हूं और आपकी जो कई इश्यूज हैं उन पर भी करेंगे। और दूसरा कि खासकर जिस मुद्दे पर हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे वो भी इनके नॉलेज में है। और एक चीज आज ये सब चीजें इकट्ठी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो एक्ट इन्होंने पास किया है या उसमें जो कमी पेशी है अगर किसी को कोई खदशा हो वो भी इस चीज में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा हमारा मुद्दा यही है कि जो हमने इशू वहां डिस्कस किया था तो उसकी प्रायोरिटी है। जनाब ये मुद्दा ही नहीं है। मोदी सरकार और वजीर आजम मोदी किसी को भी एंटी नेशनलिस्ट नहीं मानते, और हमारे में इतनी कौवत है कि अगर कोई अपने आप को एंटी नेशनलिस्ट कहता है तो हम उसको नेशनलिस्ट बनाने की कौवत रखते हैं। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, तो पहले ये बात वाजे हो जाए, हम किसी को एंटी नेशनल नहीं कहते और ना किसी को मानते हैं। अगर कोई अपने आप को कहता है या ऐसा उसका किरदार है तो उसको हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवार शहरी होने के नाते जिम्मेवार सरकार का हिस्सा है। और जहां तक आप साहिबान का ताल्लुक है ये तो दूर दूर तक मुद्दा ही नहीं आता। अभी इन्होंने ठीक कहा मेरे साहब ने कि अब ये सिलसिला चलता रहा, विभोज जी ने भी कहा 47 से लेकर के अब तक, और हम इस मकाम पर पहुंचे भी इसीलिए कि एक के बाद एक जो ये कह रहे थे डिसीजन पॉलिटिकल होते रहे,
उसका क्या मतलब निकलता है वो अलग बात है। आधा हिस्सा वहां चला गया वो भी पॉलिटिकल डिसीजन, जो उस वक्त के वजीर आजम थे बिना कैबिनेट में कंसल्टेशन किए हुए, क्योंकि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता जैसे आपने कहा कि हमारे 45 लाख लोग उधर रह गए और उससे सारा डेमोग्राफी बदल गया और ये चलता रहा सिलसिला। मैं ये कहना चाह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ और आज एविडेंस बेस्ड आ जाता है, और ये जो फैसले पिछले 5-6 सालों में हुए हैं ये वोट बैंक को देख करके नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस। मोदी जी ने आते ही कहा था कि लगाकर बैठे हैं, वी आर माइनॉरिटी, असली हिंदुस्तान वो है, असली हिंदुस्तान वो है, ठीक कह रहे हैं, और वो हमें जज कर रहे हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले वो अपने जेब में से ये निकाल के गूगल चेक करता है मैंने सही बोला कि गलत बोला। वो जमाना जाता रहा जब सो कॉल्ड पॉलिटिकल कन्वीनियंस चलेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक फैसला लिया आपने, साइंटिफिक पैरामीटर बना करके 115 जिलों की शनाख्त। मैं दो मिसालें देख करके आगे आ रहा हूं कि कहां पर कोई 42 पैरामीटर बनाए गए, हेल्थ का, एजुकेशन का, सैनिटेशन, उस पैरा भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो दिमाग लेके आओ, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ हाउस में बैठे हुए एक बतौर चीफ मिनिस्टर की भी भूमिका निभा रहे हैं। गवर्नर किसके पास बैठते हैं, मशवरा होता है, कोई व्यक्ति उठ के नहीं गया। मैं बात कर रहा था तो मुझे पीछे से कह रहे थे बाबा जी कोई बात नहीं आने दो, लेट हो गए तो फिर क्या होगा, आने दो क्योंकि हमारा मिशन बड़ा है, हमारे दिल में जो अंदर आग है वो आग हम आज दिखाएंगे कि साहब डॉक्टर जितेंद्र, मैं जिस पावन पवित्र गद्दी पर बैठा हुआ हूं मेरे लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हम दुनिया को कहेंगे, क्या कहेंगे, 888-6-2-88-6। आगे बढ़े, आपको मुझे एक व्यक्ति कह रहा था बाबा जी आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ मिनिस्टर होना है। हम दो व्यक्ति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी को इस वक्त इस मौके पर याद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, आम लोगों के लिए जो काम किए हैं उनकी मुबारक देता हूं। और साथ में उसी तंजीम में एक हमारे सन ऑफ साहिब जम्मू कश्मीर के, मुझे शब्द याद आ रहा है, जननी जने ते भगत जन कह दाता के सूर, नहीं ते जननी बांध रहे काहे गुआए नूर। एक मां ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो केवल आज हमारे प्रांत का ही नहीं पूरे देश की रहनुमाई कर रहे हैं, और इनकी कुर्बानी, देशभक्ति, इनका काम दुनिया भूल नहीं सकती। मुझे याद है, मैं याद कहना भी चाहता, मैंने डॉक्टर साहब को कहा भी कि मैं 3 मिनट नहीं ज्यादा मिनट लूंगा, मुझे याद है 1947 में क्या हुआ था, आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद
किसके पास से हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो भी आप जानते हो। लेकिन एक वक्त होता है 60 साल 50 60 साल हुकूमत में रह के जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया देश के लिए। देश को जरूरत थी, किस बात की जरूरत थी, क्या हमें जरूरत नहीं थी अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स एम्स इतने बड़े अदारों को उन्होंने कोई टच तक नहीं दिया। बड़े दुख की बात है आज जब हमारी हुकूमत, आज जिस हुकूमत में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इस हुकूमत के साथ चल रहे कविंदर गुप्ता जी हैं, इनके काम की जितनी भी श्लाघा की जाए वो कम है। दिन रात काम करना और उस काम को आज जम्मू कश्मीर में देखिए, आपको कहीं एम्स मिलेगा, कहीं मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कहीं इमारतें बन रही हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर तरफ काम बढ़ रहा है। ये काम किसका था, मुझे एक उसी तंजीम के लोग कहने लगे आए हैं उसके साथ क्या नहीं हुआ दिल्ली में, क्या कुछ नहीं बातें हुई, कहां चले गए थे वो, क्या कर रहे थे वो। लेकिन उस चीज को किस गंभीरता से किस सूझवानता से लिया, वो कौन थे, श्री नरेंद्र भाई मोदी थे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिशन है उस मिशन को लेके आगे बढ़े और उन लोगों को उन दरिंदों को जेल में बैठाया जो बाहर घूम रहे थे आम समुदाय को मार के वो कर रहे थे, उनको भी वहां बैठाया। और आज मैं ये डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आप जिस तरीके से जिस लगन से आप काम कर रहे हो वो हम भूल नहीं सकते, हमारी जनरेशन भी नहीं भूल सकती। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, छोटी छोटी जो हमारी जनरेशन उग रही है मैं उनको कहता हूं कि देखिए वक्त बार बार नहीं आता, एक ही बात को क्रांतिकारी देशभक्त पैदा होते हैं और वो देश को देश के अवाम को बेहतरीन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज इस देश की बेहतरीन हालात को आगे बढ़ाते हुए हर युवा को इस तंजीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, दो लाइनों से मैं कहूंगा, इन तेज हवाओं को ऊंचे बड़े खौफनाक तूफानों को आने दो, इन तेज हवाओं को ऊंचे बड़े खौफनाक तूफानों को आने दो। अब मैं बात कह रहा हूं उनको जो हमारी विरोधता करते हैं, ऐसे तुम कर ऐसे तुम घर जो करना है तुम करो, मगर हम अपने भारत को अपने वतन को सुपर पावर बनाएंगे, हम तूफानों से टकराएंगे, हम तूफानों से टकराएंगे। हम उस हृदय से नहीं बैठे हुए, कौन नहीं चाहता कि मेरा देश आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता कि हम सारी बात रखी है सारा विषय रखा है और जैसे और देश के प्रति इनकी निष्ठा और इतनी समझ इतनी सहजता के वो हर विषय को स्पष्टता के साथ स्वयं भी विश्लेषित कर सके और दूसरों के आगे रख सके। किसी भी अभियान की सफलता के लिए हमें ऐसे ही जहां से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का संबंध है, क्योंकि इशारा हुआ कि जल्दी मुझे लगता है इसके बाद अब कोई प्रमाण देने की आवश्यकता। वो लोग जो बार बार कहते रहे सिटीजनशिप एमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है, ये ध्यान क्यों लाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी एंड जिस प्रकार का सिख और एनी अदर रिलीजन, मुझे लगता है कि हम, मैंने तो ये भी कहा सुबह कि यदि हम उनके परिवारों में चले जाए, नेताओं के परिवार के सदस्य भी उनके समर्थन में नहीं खड़े हो। साढ़े ट्रेजरर जिस भी पार्टी
ਤਿਆਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਦੇ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੋਟਲਾ ਕਰਾ ਰਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ ਭਈਆ ਫਾਦਰ ਛੋੜ ਗਏ ਇਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦਾਲੂ ਤਾਲੂ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈਏ ਫਾਦਰ ਮਾਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਫੋਰਟੀ ਸੈਵਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਥੇ ਨਾ ਸੰਘ ਹੋਏ ਉਹ ਜਵਾਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਛੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜੰਮੂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਚੌਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨ ਨਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਲਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਡਸ ਟੂ ਦ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਐਟ ਆਲ ਕੋਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਗੇਨ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਓਵਰ ਅਨਦਰ ਆਰ ਅਨਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ